हेलो दोस्तों, भावना एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पांचवा वीडियो लेके आए हैं स्पीडी का, जिसमें 812 क्वेश्चंस हैं टोटल। और 812 क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि ट्रिक के साथ में कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं और आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लगभग 601 क्वेश्चन से लेके और 700 तक बताएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, ये हमने आपको बता दिया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। दो अवार्ड्स हैं, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? पहले एथलीट बने हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है अमेरिका। सैनवे में अभी भी अमेरिका नंबर वन पे ही है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप किसने जीता है? फुटबॉल का जीता है ओडिशा ने। ठीक है, फुटबॉल का जीता है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है आपको, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है तेलिन में। ये किया गया है तेलिन में। ऑप्शन इसका बी सही है, एस्टोनिया की कैपिटल है तेलिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? वे थे शिरोमणि अकाली दल। पंजाब के सीएम रह चुके हैं ये, शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास कोप इंडिया किन देशों के मध्य किया गया है? ये किया गया भारत और अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस देश ने किया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? तो उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया ने, किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन, भारत भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? ये है उत्तराखंड का मांडा, उत्तराखंड का मांडा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को मिला है 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस का मनाया गया? 22 अप्रैल को मैंने बताया था आपको, इसके पहले ही पृथ्वी दिवस मनाया गया है। हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये पाकिस्तान से संबंधित है, तारिक फतेह पाकिस्तान से संबंधित है, कनाडा में रहते थे। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं T20 में? ये बने हैं आपके विराट कोहली, विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? कावेरी शुरू किया गया था सूडान से, ध्यान रखिएगा। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? शीर्ष पर है ये न्यूयॉर्क। शहर की बात चल रही है यहाँ पे, तो 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेट को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है? किस क्रिकेटर को ये बनाया है उन्होंने? ऋषभ पंत को। किसको बनाया है? ऋषभ पंत को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल यजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जल यजट के लिए है केरल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? ये है केरल। एजुकेशन में आगे है ही है, अब खेल में भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में पर खेला गया? फाइनल खेला गया आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? ये तो हमने आपको कई बार बताया है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिंह। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली बनी है दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है?
यह है तमिलनाडु, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर है आपके अमेरिका। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है किस सुंदरी ने? ये जीता है आपकी अस्मिता शुक्ला, अस्मिता को बचाने के लिए इन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीता है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल को मनाया है आप तमिलनाडु ने, किसने मनाया है? तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट बने हैं किगिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह है आशा भोसले। अगला क्वेश्चन, किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये मंथ्स की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिए, साकिब अल हसन, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं ये। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके हैं बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? ये केन्या ने। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गिद्ध के लिए संरक्षण होगा तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये सभी को पता है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसने लॉन्च किया था स्टारशिप हाल ही में। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये किए गए हैं राज सुब्रमण्यम प्रवासी भारतीय सम्मान। अगला क्वेश्चन है, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम से लग रहा है कि साथी, ये है नाम से नहीं लगेगा, ये है कृषि मंत्रालय, इसका है कृषि मंत्रालय। तो किसान के साथी कौन होते हैं? केचुए, ठीक है, तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, साथी मतलब केचुए से याद कर लेना मोटा मोटा। आप मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों की को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी का के साथ समझौता किया है? चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के, तेजपुर यूनिवर्सिटी, बहुत तेज़ है वो चीनी लैंग्वेज में, वो असम में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है रैपिड एक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? किस राज्य सरकार ने किया है ये? किया है तमिलनाडु में, इसने क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद कर देंगे, क्या है तमिलनाडु में। कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर सातवें स्थान पर रहा है? इसमें रहा है 14, ठीक है, 14 पदक जीते, सातवें स्थान पर है और जस्ट डबल, 7 × 2 = कितने पदक देता है? 14 पदक देता है। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? यह है हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? यह है $325 मिलियन। कितने अमेरिकी डॉलर? 325। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? इसके लिए किए गए हैं 6000 करोड़। क्वांटम मिशन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है आपकी हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 638 करोड़, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 638 करोड़। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? वो है आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? एप्पल कंपनी ने किया है मुंबई में किया है। एप्पल कंपनी ने कहाँ पे किया है? मुंबई में।
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है, उन्होंने किया है हरदोई और लखनऊ दोनों जगह पे किया है, तो इसका आंसर सही होना चाहिए दो, सही है सी, इसका आंसर सही होगा सी, हरदोई और लखनऊ दोनों आसपास में ही है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन के समृद्धि अभियान की शुरुआत की है, संगठन से समृद्धि इसको क्या है, गृहराज्य, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है, G20 डिजिटल इकोनॉमी, तो ये की गई है हैदराबाद, डिजिटल इकोनॉमी हैदराबाद। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, डीएनए डेटाबेस ये बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, फसल बीमा के कारण में कर्नाटक, फसल बीमा योजना कार्यान्वयन में कर्नाटक सबसे आगे है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया है, ये बन गया है फिनलैंड, पहले इसका सदस्य नहीं था, पहले 30 सदस्य थे, अब 31 हो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, किम कॉटन, अंपायरिंग करने प्रथम महिला बनी है किम कॉटन, ठीक है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है, उन्होंने किया है कर्नाटक से, वोट फ्रॉम होम कर्नाटक, नाटक नहीं करो आप घर से भी वोट कर सकते हो, ठीक है, वोट देने जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, भारत की पहुंच गई है 142.86 142.86 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा, इल्सा क्या है, इल्सा है चक्रवाती तूफान, क्या है ये, चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन, बिहार राज्य चुनाव राज्य के चुनाव स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है, ट्रांसजेंडर है ये, मोनिका दास। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है, लॉन्च किया है टोयोटा ने, ठीक है। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, IPL 2023 में शतक लगाने वाले बने हैं आपके वेंकटेश अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, किया गया वाराणसी में 100वीं बैठक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया है, ये है USA, सॉरी जर्मनी। जर्मनी ने परमाणु अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, ये भारत का बन गया है USA, पहले USA नहीं था, चीन था, अब USA बन गया है। हाल ही में किस राज्य के कंबम अंगूर को GI टैग दिया गया है, तो अंगूर जो होते हैं वो आपके तमिलनाडु के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है, तो अंडर वाटर किया गया है कोलकाता में, कहाँ पे किया गया है, कोलकाता। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला कुश्ती इसमें जीते हैं 7 पदक। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है, मिनी रत्न कैटेगरी दिया गया है सोलर एनर्जी की कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, सिक्योर मैरीटाइम क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है, तो मध्य प्रदेश ने OBC का दर्जा दिया है किसको, ट्रांसजेंडर समुदाय को। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की, क्रिप्टो फर्मों को, यह है अल सलवाडोर को दिया है लाइसेंस। अगला क्वेश्चन है, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये राज्य सरकार है आपका उत्तराखंड।
रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? यह हो गई है 3167। बाघों की संख्या कितनी होगी बढ़कर 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? यह आम आदमी पार्टी, दिल्ली की, केजरीवाल की। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आपके हर्ष पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये है अरुणाचल प्रदेश, चीन से लगा हुआ है, चीन और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये हैं डेविड वार्नर, 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हैं IPL में डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये हैं सी राधाकृष्णन राव, भारतीय अमेरिकी हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? यह है तिब्बत, सबसे कम आज़ाद है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप लॉन्च किया है, भरोसा ऐप लॉन्च किया है, किससे संबंधित है? यह है महिला सुरक्षा से, किसे है? महिला सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो यह है राजस्थान, राजस्थान ने कहा है कि हम ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तुलसी घाट बहाली है, यह युगांडा।